यहाँ पर पीटीआई सपोर्टर्स इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। आप लोग खुद सुन लें ये क्या कह रहे हैं। क्या कमाल का, मैं कहता हूँ, टैलेंट है इनमें यार। और ये है पाकिस्तान का फ़ख्र, और ये है पाकिस्तान को आज़ाद करवाने वाली आवाम। चेक करें क्या ही खुशी के रंग जो है आवाम दिखा रही है रोडों पे। मैं तो कहता हूँ कमाल हो गया यार। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शुगर मेला लगा हुआ है, यहाँ पे गाड़ियों के सिलेंसर्स और बाइक के सिलेंसर्स की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं F9 पार्क, जहाँ पे फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम भाई आ रहे हैं। और हम लोग अभी जाएंगे 14 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए F9 पार्क में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लोग दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये देखें, रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं F9 पार्क की तरफ जाने को तैयार हैं, और बहुत ज़्यादा रश है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आवाज़ चेक करें, सिलेंसर्स की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शोर है, जिसमें हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ भी कम सुनाई दे। ये गाइस देखें, बहुत ही कमाल की रश यहाँ पे लगी हुई है। और अब पता नहीं हम यहाँ पे कैसे आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साइड पे रुक चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शुगर मेला लगा हुआ है, यहाँ पे गाड़ियों के सिलेंसर्स और बाइक के सिलेंसर्स की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है। तो गाइस ये आज का हमारा सफ़र, देखते हैं कैसा रहता है। फिर हमने आगे F9 पार्क में भी जाना है, वहाँ पर भी आई थिंक रश होगा, क्योंकि अरशद नदीम वहाँ पे आ रहे हैं। और सारी आवाम आपको पता है अरशद नदीम के साथ है, और अरशद नदीम को जो है सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तानी लोग जो है क्रिकेट को भूल के अब अरशद नदीम का नाम हर जगह लेना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाया है, जो कि बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। और गाइस ये चेक करें, क्या कमाल की रश है यार, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया आज। इसके बाद मैं जाऊँगा F9 पार्क, जहाँ पे फायरवर्क्स आपको मैं दिखाऊँगा। और वहाँ पे बहुत शुगल होने वाला है, क्योंकि फायरवर्क जो है बहुत कमाल की, हर टाइम जब भी 14 अगस्त आती है तो फायरवर्क जो है F9 पार्क में बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। तो अभी आपको मैं F9 पार्क ले जाऊँगा, वहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा कि फायरवर्क्स जो है वो किस अंदाज से जो है आसमान पर अपनी रंगीनियाँ दिखा रही होगी। तो गाइस चलते हैं F9 पार्क की तरफ, फिर आपको वहाँ पर जाकर मज़ीद जो है व्यूज़ दिखाएँगे। तो गाइस हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं F9 पार्क की तरफ। फेमस चीज़ नज़र आ रही होगी, इसको कहते हैं बाजा। और इस बाजे की वजह से जो है हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इस वजह से ही हमारी आवाम जो है 14 अगस्त पे जो है बाजे बजाती है। ये जो सारी आवाम आपको नज़र आ रही है, ये सारी आवाम जो है बाजे बजाने वाली है। आपको रास्ते में हर जगह जो है बाजे दिखाई देंगे, जो कि लोग हर तरफ आपको बाजे बजाते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा रश की वजह से ये गाड़ी जो है बिल्कुल थक चुकी है। इस गाड़ी की हालत आप चेक कर लें। इस वीडियो पे जो है मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो म्यूट कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है। और इस लड़के की जो है डांस चेक करें, ऐसे डांस कर रहा है जैसे कि पाकिस्तान इसी ने आज़ाद करवाया था। और क्या ज़बरदस्त माहौल बना हुआ यार रोड पे, चेक करें। और ये बाइक की खुशी से आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान बाबा कायदे आज़म ने आज़ाद करवा के इस मुल्क पे कितना बड़ा एहसान किया है। जा रहे हैं साइकिलिंग वाले, और इनके स्टंट चेक करें, क्या बात है। और ये काफ़ी दूर से जो है इसी तरह आ रहे हैं, हैंडल पे बैठे हुए हैं, चेक करें क्या कमाल का, मैं कहता हूँ टैलेंट है इनमें यार। और ये है पाकिस्तान का फ़ख्र।
और ये है पाकिस्तान को आज़ाद करवाने वाली आवाम। चेक करें क्या ही खुशी के रंग जो है आवाम दिखा रही है रोडों पे। मैं तो कहता हूँ कमाल हो गया यार। ये सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिस पे बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है, और हमेशा जो है हर बार जब 14 अगस्त हो या रबी लवल हो या कुछ भी हो, इस्लामाबाद में लाइटिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त की जाती है। जा रहे हैं जी पीपल्स पार्टी के जाले, और ये बेनज़ीर का जो सॉन्ग है उस पे जो है डांस कर रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त गैंग्स जा रहे हैं, और सब लोग जो हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है ना मिल के बाहर निकलते हैं 14 अगस्त पे, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग। फाइनली हम पहुंच चुके हैं F9 पार्क, और पूरे 12 बज चुके हैं, और आपको सामने फायरवर्क नज़र आ रहा होगा। क्या ज़बरदस्त व्यू है, आपको मज़ीद व्यूज़ भी मैं दिखाता रहूँगा। आज का मेरा जो व्लॉग है वो हो सकता है आधे घंटे का हो जाए।
जगह से अंदर आ गए। We'll be right back.
मोहब्बत और प्यार देकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड का रिकॉर्ड करूं। और इनके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे आज इतनी इज्जत दी। और दिल कर रहा है कि अभी मुझे